आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाटा मॉडल। व्हाट इज डाटा मॉडल? लेट्स सी। अ डाटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। इट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड डाटा मॉडल। देन लेट्स सी टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। फर्स्ट इज रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल के अंतर्गत रिलेशनल मोड, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से अगर हम रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल के बारे में देखें तो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल होता क्या है? रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल इज यूजली टू स्पेसिफाई द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। नेक्स्ट है कि ईच रिकॉर्ड टाइप ऑफ डिफाइंड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड हैविंग अ फिक्स्ड लेंथ। मीन्स यहां आपकी फिक्स्ड नंबर ऑफ लेंथ रहेगी और साथ ही साथ फिक्स्ड रिकॉर्ड्स रहेंगे, फिक्स्ड लेंथ रहेगी। इसमें मुख्य रूप से ये डाटाबेस के स्ट्रक्चर को लॉजिकल स्ट्रक्चर को बताने का कार्य करता है। नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल की बात करें तो मीन्स ये टू डायमेंशन टेबल होता है। इन द रिलेशनल मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज इन टू डायमेंशन टेबल कॉल्ड रिलेशन। मीन्स इस टेबल में अगर हम देखें तो इसमें डिपार्टमेंट और प्रोफेशन के बारे में देखें तो इसमें दो चीजें आपको कनेक्टेड दिखेंगी। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ है और ये नंबर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और अगर हम यहां से देखें, रिलेशन देखें, तो कोर्स को अगर रिलेट किया जाए तो इस कोर्स से यहां रिलेशन रखता है और ये नंबर जो है ये आपके स्टूडेंट या कोर्स से रिलेट कर रहा है। मीन्स ये चारों के चारों टेबल ये टू डायमेंशन होने के साथ साथ ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है रिलेशनल मॉडल में अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि इसमें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स, अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम्स को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एट्रीब्यूट कहा जाता है और रो को टपल कहा जाता है। अगर हम इस रो की बात करें, ये रो है हमारी टपल, और ये एट्रीब्यूट के बारे में बात की जाए तो एट्रीब्यूट हमारा कहलाता है कॉलम, जिसको आप कॉलम कहते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाता है। तो इन्हीं के मीन्स से एट्रीब्यूट के मिलने से किसी टपल का निर्माण होता है और टपल के मिलने से एक डाटाबेस का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो देखें रिलेशंस में एट्रीब्यूट, ईच कॉलम इन इन द रिलेशन इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। मतलब आपके जो अलग अलग कॉलम्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जैसा अभी हमने देखा। नेक्स्ट टपल्स क्या होते हैं, ईच रो इन द रिलेशन इज कॉल्ड टपल। अ टपल डिफाइन ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यू। मीन्स क्या होता है, कलेक्शन एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट वैल्यूज जो है उसका कलेक्शन होता है आपका एक टपल, और टपल के मिलने से एक डेटाबेस का निर्माण होता है। नेटवर्क मॉडल के अंतर्गत देखें, नेटवर्क मॉडल में इस तरह का मॉडल होता है ये कि ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। इन द नेटवर्क मॉडल द एंटायर एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्राफ इन विच सम एंटिटीज कैन बी एक्सेस थ्रू सेवरल पाथ। मीन्स अलग अलग सेवरल पाथ में ये आपकी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। ये देखिए ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ देखें तो यहाँ से ये कनेक्ट है। मीन्स ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड रहती हैं, ये एक प्रकार के नेटवर्क जाल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल को पेरेंट नोड मॉडल भी, पेरेंट चाइल्ड मॉडल भी कहा जाता है, या फिर ट्री स्ट्रक्चर्ड भी कहा जाता है। इस तरह का मॉडल है ये कि ये आगे चल के बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह के मॉडल को देखिए, जैसा कि ये आ रहा है यहाँ, ये डिपार्टमेंट है नेम और नंबर के लिए, ये यहाँ दो भाग में डिवाइड हो गया, ये यहाँ भी आपका डिवाइड हो गया। ये इस तरह से एक हायरार्की बनाता है जिससे ये बहुत बड़ी होता जाता है। नेक्स्ट आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में हमने पहले भी देखा है, ये ईआर डायग्राम के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसमें एंटिटी, एंटिटी सेट्स, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप होता है।
अगर इसके आगे हम एंटिटी के बारे में जब समझने की कोशिश करें तो ये किसी प्रकार के नाम या किसी प्लेस, इस तरह की ये जो होती हैं ये एंटिटीज कहलाती हैं। एंटिटीज मुख्य रूप से एट्रीब्यूट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट में मुख्य रूप से इसकी प्रॉपर्टीज, एंटिटीज की प्रॉपर्टीज आती हैं इसके अंतर्गत। ये सारी चीजें आपके डेटा मॉडल के अंतर्गत आती हैं, जो कि आज की क्लास में हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।